हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने केवल उस रेफरेंस फ्रेम की बात की है जो इनर्शियल है, यानी कि रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम उस रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यानी वो रेफरेंस फ्रेम जो एक दूसरे के सापेक्ष एक फिक्स स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि एक्सलेटेड होते हैं। तो उस केस में पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है और जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, क्या होती है, ये चीज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं लिख लूं पहले टॉपिक, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो स्टूडेंट्स, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण समझें कि जब आप किसी व्हीकल में बैठते हो और जैसे ही वो व्हीकल स्टार्ट होता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का अनुभव होता है, राइट स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार जब वो वाहन रुकता है तो आपको आगे की तरफ धक्का अनुभव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको फोर्स फील होता है जब भी कोई व्हीकल गति शुरू करता है और जब भी कोई व्हीकल रुकता है, तो उस केस में जो फोर्स फील होता है उस फोर्स को अपने बोलते हैं फिक्सियस फोर्स या सुडो फोर्स। स्टूडेंट, ऐसे फोर्स तब उत्पन्न होते हैं जब कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सीलेटेड हो या फिर जब रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम फिक्सियस फोर्स को डेराइव करते हैं। स्टूडेंट, मान लो कि ये एक रेस्ट रेफरेंस फ्रेम है और ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम है x डैश y डैश z डैश, इसका ओरिजिन o डैश है और इसका ओरिजिन o है। स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स, a, और वो भी क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। अब इसकी आप कंडीशन इस तरीके से समझें, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी इन दोनों के बीच में, जैसे t टाइम पर कितने डिस्टेंस है, इससे समझने के लिए आप देखें स्टूडेंट्स, t बराबर 0 पर दोनों रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के संपाती थे, अर्थात ये जो ओरिजिन है o डैश और ये ओरिजिन o, इनके बीच की दूरी 0 थी। कब? t बराबर 0 पर, इस तरीके से। उसके बाद में धीमे धीमे ये जो दूसरा रेफरेंस फ्रेम है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ता हुआ मूव करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो t बराबर 0 पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 0। तो इनिशियल मैंने डिस्टेंस मान ली एस 0 0, राइट, एट टी बराबर 0। अब ये कहता है कि यदि इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गति करे, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यदि दूसरा रेफरेंस फ्रेम मूव करता है, तो किसी टी टाइम में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम न्यूटन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या था कि t बराबर 0 पर दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 थी, ये अपने पहले भी कर चुके हैं कि दोनों रेफरेंस फ्रेम के जो
डिस्टेंस है वो इस प्रकार से वेरी हो रही है, टी बराबर जीरो पर दोनों एक दूसरे पर संपाती थे, एक दूसरे पर थे, तो दोनों पॉइंट्स ओ डैश और ओ के बीच की दूरी जीरो थी। एस जीरो इज इक्वल टू जीरो कब? टी बराबर जीरो पर। राइट स्टूडेंट्स, तो अब किसी टी टाइम पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन से आप ज्ञात कर सकते हो। एस वेक्टर इक्वल्स टू टी बराबर जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो अब ये टर्म जीरो हो चुकी है, सॉरी ये टर्म जीरो हो चुकी है, तो ये टर्म शेष बची, ये जो टर्म है इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच किसी टी टाइम पर डिस्टेंस को शो कर रही है, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस इक्वेशन द्वारा लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता होगा, तो ये इन दोनों बीच का डिस्प्लेसमेंट अपने ज्ञात कर लिए। एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एक बटा दो वन बाई टू ए वेक्टर टी स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, अब ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा देखा जाता है, और इसके विद रेस्पेक्ट इस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रेस्पेक्ट इस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर आर डैश वैक्टर होगा। ये रेफरेंस फ्रेम स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अब इस चीज को हल करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए अपने वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रायंगल लॉ के अनुसार यदि दो वेक्टर इस प्रकार से कंबाइन हो कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिले, क्या एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिले। अब टेल हेड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कोई वेक्टर है, ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। राइट, तो यहां पर इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए इन वेक्टर्स का, अगर इस वेक्टर को ए वेक्टर मानू, इस वेक्टर को बी वेक्टर मानू, तो इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर। राइट, तो सी वेक्टर के बराबर होगा। अब ये सी वेक्टर जो होगा ये कहां से स्टार्ट होगा, ये सी वेक्टर जो है ये फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जाएगा। राइट, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जाएगा। तो अब जो है इस वेक्टर एडिशन रूल का इस्तेमाल करोगे आप इस कंडीशन के लिए, ये हमारा एस वेक्टर, ये हमारा आर डैश वेक्टर, और ये हमारा आर वेक्टर। राइट, तो अब आप इस्तेमाल कर दो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, तो एस वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। राइट, तो अब यहां से आप आर डैश वेक्टर अलग निकाल लो, आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है जो कि इस रेफरेंस फ्रेम में आर डैश और इस रेफरेंस फ्रेम में आर, इन दोनों के बीच के रिलेशन को शो करती है। राइट, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो करें डिफ्रेंशिएट,
इसमें तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म ये शो करती है कि इस रेफरेंस फ्रेम में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है। तो इस रेफरेंस फ्रेम के लिए इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं वी डैश वेक्टर है, राइट। सेकंड टर्म शो करती है कि इस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है, राइट। इस पॉइंट की इस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने मान ली विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम वी, राइट। और उसके बाद में यहां पर एस वेक्टर रख देंगे 1/2 एटी स्क्वायर। तो अब आप इसे हल कर लें, वी डैश वी वेक्टर 1/2 और ए, 1/2 और ए स्टूडेंट, इसमें ए वेक्टर लगाया, 1/2 और ए वेक्टर, ये दोनों कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। ए वेक्टर तो आपको पता है क्योंकि ये जो फ्रेम है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगी 1/2 और ए वेक्टर, और अंदर बचेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 2t होता है, तो राइट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस a वेक्टर t, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है बचेगी, और ये इक्वेशन जो है वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, राइट।